आज की रॉ में यानी कि 20 सितंबर 2021 के रॉ में ब्लडलाइन वर्सेस द न्यू डे का मैच हो रहा है, यानी कि सिक्स मैन टैग टीम मैच होगा जहां एक तरफ रहेंगे रोमन रेंस और द उसोस और वो फाइट करेंगे द न्यू डे से। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि रॉ में और क्या क्या होगा और इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। रॉ की शुरुआत की न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बिगी, कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड ने, यानी कि हम कह सकते हैं द न्यू डे ने। बिगी ने पहले सबको एक थैंक यू बोला। बिगी ने कहा कि मैं उन्हें भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्हें भी बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। सबको थैंक यू बोलने के बाद बिगी ने अपने सेलिब्रेशन को यहीं पर रोक दिया। बिगी ने कहा कि सेलिब्रेशन को हमें रोकना पड़ेगा और आज का काम यह है कि हमें रोमन रेंस और द उसोस को सबक सिखाना है। बिगी ने कहा कि टीम ब्लडलाइन का आज मुकाबला है द न्यू डे के साथ, यानी कि हमारे साथ। बिगी ने कहा कि रॉ हमारा शो है और कोई भी बाहर की टीम यानी कि स्मैकडाउन की टीम आके रॉ में जीत नहीं सकती। बिगी ने यह कहा कि आज हम टीम ब्लडलाइन को हरा के वापस वहीं भेज देंगे जहां से वो आए हैं। इससे पहले बिगी कुछ और बोल पाते वहां पर आ गए रोमन रेंस और द उसोस और उसके बाद हमें रोमन रेंस और बिगी के बीच में एक एनकाउंटर देखने के लिए मिला जहां पर दोनों चैंपियन रिंग में आ गए थे और रिंग में अपने टाइटल को उठा के दिखा रहे थे। और उसके बाद शुरू हुआ टीम ब्लडलाइन वर्सेस टीम न्यू डे का मैच। ये मैच सिक्स मैन टैग टीम मैच था और देखना ये था कि इस मैच में कौन सी टीम जीतती है। इस मैच के दौरान यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बिगी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बिगी ने रोमन रेंस को 3-4 बार बेली टू बेली सुप्लेक्स दे दिया। बिगी इस मैच को खत्म कर ही देते लेकिन द उसोस ने आके रोमन रेंस को बचा लिया। इस मैच के आखिरी टाइम पे जब रोमन रेंस और जेवियर वुड अंदर थे तब बॉबी लैशली वहां पर आ गए और बॉबी लैशली ने दोनों टीमों के ऊपर अटैक कर दिया। बॉबी लैशली ने सबसे पहले बाहर खड़े हुए बिगी, कोफी किंगस्टन और द उसोस के ऊपर अटैक किया और इस अटैक का फायदा उठाते हुए रोमन रेंस ने जेवियर वुड को स्पीयर देके पिन करवाया और इस मैच को जीत लिया। लेकिन मैच जीतने के बाद रोमन रेंस जैसे ही पीछे पड़ते बॉबी लैशली ने रोमन रेंस को भी स्पीयर दे दिया और उसके बाद बाहर जाके बॉबी लैशली ने बिगी को स्पीयर देके बिगी के ऊपर बैरिकेड को तोड़ दिया। आज के रो में बॉबी लैशली अपना पूरा गुस्सा दिखा रहे थे क्योंकि लास्ट वीक के रो में उन्हीं के ऊपर मनी इन द बैंक कैश इन हुआ था और उन्होंने अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप खो दिया था। इसी बात का बदला बॉबी लैशली रिंग में खड़े हुए सारे इंसानों से ले रहे थे और बॉबी लैशली ने सबके ऊपर अटैक किया, द न्यू डे के ऊपर भी और द ब्लड लाइन के ऊपर भी। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिला कि बैक स्टेज में बिगी गए एडम कोल और सोनिया डेविल के पास। बिगी ने कहा कि लास्ट वीक के रॉ में जब वो रैंडी ऑर्टन से अपने टाइटल को डिफेंड करके इंजर्ड हो चुके थे तभी उसी बात का फायदा उठाया बिगी ने और उनके पास मनी इन द बैंक कैश इन कर दिया। बॉबी लैशली ने कहा कि ये रॉ है, ये रॉ हमेशा से बॉबी लैशली का ही शो रहेगा और अगर उन्हें मौका दिया जाएगा तो वो बिगी और रोमन रेंस दोनों को एक साथ हरा सकते हैं। बॉबी लैशली ने ये दावा कर दिया कि वो हर रोज रोमन रेंस और बिगी दोनों को हरा सकते हैं। और उसके बाद बैक स्टेज में सोनिया डेविल और एडम कोल के पास आए बिगी और बिगी ने कहा कि आज के रॉ में उन्हें रोमन रेंस और बॉबी लैशली दोनों के साथ फाइट करना है। उसके बाद वहां पर पॉल हेमन भी आया और पॉल हेमन को ये बता दिया गया कि आज के रॉ में होगा ट्रिपल टेड मैच, यानी कि रोमन रेंस वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस बिगी का ट्रिपल टेड मैच, यानी कि आज के रॉ में ये तीनों का मैच होगा और इस मैच में मुझे लगता है कि रोमन रेंस इस मैच को जीत जाएंगे। इस मैच में और क्या क्या होगा इस बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।